तो आज हम पाठ्यक्रम गतिविधियां घरेलू सामग्री के दूसरे चरण में हम कक्षा 6 के विज्ञान विषय के अध्याय 11 में प्रकाश छायाएं एवं परावर्तन अध्याय के अंतर्गत हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि पारदर्शी अपारदर्शी तथा पारभासी वस्तुएं क्या होती हैं। हमने कभी कभी बिजली के खंभे के नीचे जाते हुए या कभी कभी कमरे में या कभी कभी चांदनी रात में हम जब चलते हैं तो परछाई हमारा पीछा करती है। तो ये परछाई क्या है इसे समझने की कोशिश करेंगे। इसे समझने के लिए हमें घरेलू सामग्री के लिए एक कांच लेना होगा, एक हम गत्ता लेंगे और एक हम ट्रेसिंग पेपर लेंगे या खिसा पिटा हम प्लास्टिक की शीट भी ले सकते हैं। प्रक्रिया हमें इस प्रकार करनी है कि हम एक अंधेरे कमरे में जाएंगे, जहां दिए गए गत्ते को पकड़ेंगे और उसे दीवार के पास ले जाएंगे और दूसरे हाथ से टार्च को पकड़कर उस पर प्रकाश डालेंगे। फिर हमें देखना है कि हमें क्या दिखाई देता है। इसी प्रकार की प्रक्रिया हमें ट्रेसिंग पेपर के साथ और पारदर्शी शीट के साथ भी दोहराना है और फिर हम देखेंगे कि क्या होता है। जब आप टार्च पर प्रकाश गत्ते पर डालते हैं तो प्रकाश को अपने अंदर पार नहीं करने देता है। इस प्रकार वह एक गहरी परछाई बनाता है और इसे हम अपारदर्शी वस्तु के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं, क्योंकि गत्ता जो है प्रकाश को पार नहीं करने दे रहा है। लेकिन जब हम प्रकाश को ट्रेसिंग पेपर पर डालते हैं तो वह आंशिक रूप से प्रकाश को जाने देता है। इसके द्वारा बनी हुई परछाई उतनी गहरी नहीं होती है जितनी अपारदर्शी वस्तु की होती है। ऐसी वस्तुओं को हम पारभासी वस्तु कहते हैं। अंत में जब आप प्रकाश को पारदर्शी शीट पर डालते हैं तो उसकी परछाई नहीं बनती है, क्योंकि यह प्रकाश को पूरी तरह से गुजरने की अनुमति देता है। इन वस्तुओं को हम पारदर्शी वस्तु के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं। आइए हम यदि हमने ठीक ढंग से समझ लिया है कि अपारदर्शी या आंशिक पारदर्शी और पारदर्शी वस्तु कौन कौन सी हैं, तो आपको अपने घरों में ऐसी तमाम वस्तुओं का संग्रह इकट्ठा करना है और उन पर प्रकाश डाल करके वर्गीकृत करना है और अपनी नोटबुक में नोट करना है कि कौन सी वस्तु अपारदर्शी है, आंशिक पारदर्शी है और पारदर्शी है। और यही नहीं, मनोरंजन के लिए आप हाथ की परछाई बनाने की कोशिश कर सकते हैं और देख सकते हैं कि वे किस प्रकार से दीवार पर दिखाई देती हैं। आप अपने हाथ से विभिन्न किस्म के जानवर, विभिन्न किस्म के पेड़ पौधों के चित्र भी बनते हुए देख सकते हैं परछाई से। आइए हम कुछ प्रयोग करके देखेंगे, जिसमें लगने वाली सामग्री ये पुट्ठा है, गत्ता और ट्रेसिंग से लगा हुआ हमारा ट्रेसिंग पेपर है और ये हमारा पारदर्शी कांच है और साथ में हमारी ये टार्च है। कुछ घरेलू सामग्री जैसे लकड़ी का गट्टा या पुट्ठा या कोई और ऐसी अपारदर्शी वस्तु ले लें और उस पर हम अंधेरे कमरे में टार्च से रोशनी डालें। आइए हम रोशनी डालते हैं तो हम देख रहे हैं कि गत्ता जहाँ पर है उसकी परछाई उसके पीछे बन रही है, क्योंकि प्रकाश जो है, ये जो गत्ता है, लकड़ी का टुकड़ा है, यह प्रकाश को प्रवेश नहीं करने दे रहा है। इस कारण से पीछे से हमें यह डार्क परछाई हमें दिखाई दे रही है। अब हम एक अल्प पारदर्शी वस्तु, ट्रेसिंग पेपर हो सकता है या अन्य कोई प्लास्टिक की घिसी हुई चीज़ हो सकती है, उसको भी हम उसी प्रकार प्रकाश की किरण डालेंगे, टार्च से रोशनी डालेंगे। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ मात्रा में प्रकाश उसके अंदर प्रवेश हो रहा है, जिससे परछाई तो बन रही है लेकिन हल्की परछाई हमें देखने को मिल रही है। इस प्रकार जो है ये एक अल्प पारदर्शी वस्तु से बनी हुई परछाई। आइए अब हम एक पारदर्शी वस्तु लेते हैं, कांच हो सकता है
या और कोई भी चीज हो सकती है। इस पर जब हम प्रकाश टार्च से प्रकाश की किरण डालेंगे तो अब हमको जहां पर कांच है वहां पर परछाई नहीं बन रही है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि जब प्रकाश किसी वस्तु से प्रवेश कर जाता है तो परछाई नहीं बनती है या हल्की बनती है, और जब प्रकाश किसी ठोस वस्तु के सामने से निकलती है तो उसकी परछाई नहीं बनती है। तो इस प्रकार हम पारदर्शी, आंशिक पारदर्शी या अपारदर्शी और पारदर्शी वस्तुओं में भेद कर सकते हैं।